अब मैं आज का मजमून लेता हूं जो कि है ताल्लुक बिल्ला। मैंने पिछले जल एक खुतबे में भी बयान किया था कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि दुआ करें मेरे को बेटा हो जाए, कोई कहता मेरी बीवी अच्छी हो जाए, कोई कहता मेरी बीवी मुझे बीवी मिल जाए, कोई कहता मेरी बीवी का झगड़ा वो दूर हो जाए, कोई कहता है मुझे नौकरी मिल जाए, कोई कहता है मैं जाने पास कोई जो कर जाऊं, कोई कहता है कि मेरी नौकरी में तरक्की मिल जाए, कोई कहता है मेरी यहां से बदली हो जाए। इसी तरह औरतें इसके रुख शुरू कर देती हैं, कोई कहती मेरा लड़का नहीं लड़का हो जाए, कोई कहती मेरी औलाद नहीं औलाद हो जाए, कोई कहती औलाद बीमार है वो अच्छी हो जाए, कोई कहती खामन का अच्छा सलूक नहीं वो अच्छा हो जाए, कोई कहती खामन का बड़ा अच्छा सलूक है अल्लाह उसको बड़े फजल करे, कोई कहती खामन की नौकरी में तरक्की हो जाए हमारा गुजारा अच्छी तरह नहीं चलता, कोई कहती खामन अगर मेरे माँ बाप के अंदर झगड़ा है उसको दूर कीजिए इनके अंदर सुलह हो जाए। गरज जितने जितने आदमी हैं दुनिया के उतनी उतनी जरूरतें उनके अंदर होती तो भयंकर। मगर मैंने कहा सबसे मुकदम चीज जो है वो बहुत कम लोग बयान करते हैं, यानी हमारे लिए भी दुआ कीजिए हमें इस बात की रहनुमाई कीजिए कि ताल्लुक बिल्ला किस तरह का है। हालांकि मखसूस चीज ये है अगर ताल्लुक बिल्ला कायम हो जाए तो सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आ जाती, हाथी के पांव में सबका पांव, जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक हो गया उसको और किसी चीजों की क्या जरूरत रहेगी। मशहूर है औलिया सबका औलिया में आते हैं कि एक बुजुर्ग थे उनके साथ कुछ उमरा की लड़ाइयां हो गई और उन उमरा ने बादशाह से जाके शिकायत की तो बादशाह ने वहां फौज भेज दी उनके घरों पर के वो ये कहते थे तुम रात को बाजा बजाते हो तो हमारे जिक्र इलाही में फर्क आता है कि मत करो। फौज भेज दी उन्होंने कहला भेजा कि अच्छा ही फौज आके खड़ा हो गई घड़ी हो गई है आप जरा तुम्हारे मुरीद आगे रोकें तो हमको बाजा बजाने से ताकत है तो मुकाबला करो। उस बुजुर्ग ने आगे से उस पैगाम पर को जवाब दिया कि मुझमें फौज के मुकाबले की इन सामानों से तो ताकत नहीं है पर लड़ाई हमने भी नहीं छोड़नी, हम रात के तीरों से उनसे लड़ेंगे। रात के तीर यानी दुआ करेंगे हमारा तीर तो हम निशाने पर पड़ेगा ना पड़ेगा, तो आसमान पर जाके गिरेगा तीर वो फिर ऐन ठीक निशाने पर पड़ेगा, उसको फरिश्ते जरूर करना। उसके अंदर कुछ नेकी थी जब पैगाम्बर ने जाके कहा कि मैंने आपका पैगाम पढ़ दिया है, वो थोड़ी देर खामोश रहा फिर कहा कि अच्छा उनकी मर्जी लेकिन हम भी मुकाबला करेंगे, हम रात के तीरों से बादशाह की सिपा का मुकाबला करेंगे। ये सुनते ही उसकी चीख निकल गई, सिपाही उसने वापस की है और आके उनको कह दिया कि साहब आज से ये बाजा गाजा बंद हो जाएगा, हमें रात के तीरों का मुकाबला करने की न मुझमें ताकत है न मेरे पास क्या इनका कोई नहीं कर सकता। अगर फिर पहला सवाल इसलिए यही है कि खुदा का मिलना और उसकी ताल्लुक जो है वो सबसे ज्यादा अहम और जरूरी चीज है। अगर खुदा मिल सकते हैं तो फिर इसमें क्या शुभ हो सकता है, यानी पहला सवाल होगा क्या खुदा है या नहीं है, अगर है तो फिर वो मिल भी सकता है कि नहीं, तो फिर खुदा अगर मिल सकता है तो फिर इसमें क्या शुभ है कि सबसे मुकदम चीज हुई। मगन किसी शख्स को पसंद है पर करो मुर्गा बाद लोग मुर्गे के बड़े शायक होते हैं, हमारे चौधरी जफरुल्ला खान साहब और उनके दोस्त सारी पार्टी करीबन मैंने देखा है सारों को मुर्गे की टांग बड़ी पसंद, मुझे मुर्गे की टांग से सख्त नफरत है, हर साहब को बड़ी पसंद थी, मैं टांग खा ली था मेरे दांतों में फंस जाती थी, उनको देखा टांगे पसंद तो उनके एक दोस्त से फौत हो गया, वो कहा करते थे अगर मुर्गे की टांग सारी उम्र मिलती ना तो और जाकर कैसे। तो अगर मुर्गे की टांग किसी को पसंद है और वो क्या सारी उम्र मिलती रहे तो और खुदा की क्या जरूरत है, तो अगर खुदा के ऊपर यकीन हो और वो मिल सकता है तो फिर खुद और किसी की क्या जरूरत है, सारी चीजें उसके पीछे आ जाए। अंबिया बड़े कीमती वजूद है पर ये किससे हो सकता है कि किसी को खुदा मिल जाए और अंबिया उसको न मिले, अंबिया तो आप शौक से उसको मिलेंगे बुलाएंगे और कहेंगे तुम भी हम जो हमारा मालूम हो तुम्हारा मालूम हो,